ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं हमारे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले ग्रह देव गुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए, 13 अप्रैल 2022 को सुबह में 11:23 पर गुरु कुंभ राशि से निकलकर अपनी स्वराशि मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं और 23 अप्रैल 2023 तक यानी अगले 13 महीनों तक गुरु मीन राशि में ही रहने वाले हैं। साल 2022 में गुरु वक्री भी कई बार होंगे और मार्गी भी होने वाले हैं, तो इसका सभी राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। गुरु के इस राशि परिवर्तन का सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव दिखाई देगा, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हम आपको गुरु के बारे में भी जानकारी देंगे और गुरु का कैसा प्रभाव आपकी राशि यानी सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में पड़ेगा, यह भी जानकारी देंगे। तो देखिए, ग्रहों की चाल व्यक्ति के जीवन में विशेष और गहरा प्रभाव जरूर डालती है। ग्रहों का गोचर कुछ समयावधि में होता रहता है जो विशेष प्रभावी होता है। खास तौर से सबसे बड़े ग्रहों का जो राशि परिवर्तन होता है वह व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक प्रभाव या नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है और बृहस्पति बड़े ग्रहों में आते हैं। तो अब आइए हम आपको बताते हैं देवगुरु बृहस्पति का वैदिक ज्योतिष में क्या महत्व है, उसके पश्चात सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव दिखाई देगा, इसकी जानकारी हम आपको देंगे। तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति को वैदिक ज्योतिष में सबसे प्रभावशाली और शुभ ग्रह माना गया है। गुरु को देवताओं का गुरु भी कहा गया है। देवगुरु बृहस्पति को भाग्य, ज्ञान, धन, संतान, वैवाहिक जीवन का कारक ग्रह माना जाता है, यानी यहां पर गुरु का प्रभाव होता है। जन्मकालीन राशि से दूसरे भाव, पांचवें भाव, सातवें भाव, नौवें भाव और 11वें भाव में देव गुरु बृहस्पति यदि मौजूद हो तो जातक के जीवन में सफलता और शुभता देते हैं। उसके साथ साथ देव गुरु बृहस्पति यदि किसी भी राशि वाले जातक की जन्म कुंडली के केंद्र भाव में मौजूद हो तो कुंडली के 1,00,000 दोषों का समन भी करते हैं। देव गुरु बृहस्पति यदि जन्म कुंडली पर अनुकूल हो और बलि हो, ज्योतिष के मापदंडों के आधार पर देवगुरु अस्त नहीं होने चाहिए, सूर्य द्वारा अस्त नहीं होने चाहिए और इनकी डिग्री कमजोर ना हो तो जातक को जीवन में हर प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। नाम, शोहरत, सफलता, धन, संतान, उत्तम वैवाहिक जीवन और गुरु के शुभ होने पर जातक ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए क्षेत्रों में विशेष सफलता अर्जित करने वाला होता है। देवगुरु बृहस्पति धनु और मीन राशि के स्वामी माने जाते हैं। पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद इन तीन नक्षत्रों के स्वामी माने जाते हैं। बृहस्पति का पीड़ित प्रभाव भी जीवन में बहुत महत्व देता है, यानी बहुत ज्यादा पीड़ित प्रभाव व्यक्ति को लगातार उलझन, तनाव और विपरीत परिस्थितियों में डालता रहता है। गुरु जब पीड़ित होते हैं तो हार्निया की समस्या देते हैं, बेहोशी, शरीर में दर्द, पेट फूल जाना, पेट में वसा का जमा हो जाना, नाभि का रोग, विवाह में बाधाओं का सामना करना पड़ता है, संतान जातक की सुनती नहीं है, सौभाग्य में कमी देखने के लिए मिलती है। वहीं पीड़ित गुरु के प्रभाव के कारण जीवन में जातक धर्म कर्म से भागने लगता है, यानी जातक नास्तिक भी हो जाता है। इसको गुरुदेव बृहस्पति से जुड़े हुए उपाय करके दूर भी किया जा सकता है।
अब आइए हम आपको बताते हैं कि सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। सिंह राशि वाले जातकों की चंद्र राशि के ऊपर यह राशिफल आधारित रहेगा, तो आप इसे इसी आधार पर देखने की कोशिश जरूर करें। सिंह राशि वाले जातकों 13 अप्रैल 2022 से लेकर 23 अप्रैल 2023 तक गुरु आपके राशि से अष्टम भाव में गोचर करने वाले हैं। इसमें गुरु वक्री भी होंगे और मार्गी भी होंगे, तो आपके राशि के लिए गुरु बृहस्पति कई प्रकार की सफलता जीवन में दे रहे हैं और कई स्थान पर आपको उतार चढ़ाव भरी संभावना निर्मित होगी। अष्टम भाव में मौजूद होकर देव गुरु बृहस्पति आपके राशि के द्वादश भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, धन भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और सुख भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए गुरु के इस प्रभाव से भौतिक संसाधनों में वृद्धि देखने के लिए मिलेगी। आर्थिक जीवन में यदि सिंह राशि वाले जातकों को पूर्व के समय से ही धन संबंधी समस्याएं देखने के लिए मिल रही थी, वह दूर होती हुई नजर आएगी। गुरु के इस प्रभाव से सिंह राशि वाले जातकों के करियर के मामले में नई संभावना, नया उत्साह, नया परिवर्तन लगातार देखने के लिए मिलेगा। अष्टम भाव में गुरु का गोचर हो रहा है, तो इस समयावधि में आध्यात्मिकता की ओर, धर्म कर्म की ओर आपका विशेष रूप से झुकाव रहेगा। गुरु के इस राशि परिवर्तन से सिंह राशि वाले जातकों के वैवाहिक जीवन को लेकर कुछ तनावपूर्ण स्थितियां जरूर रहेंगी। उसके साथ साथ सिंह राशि के ऐसे जातक जो वकील, संपादक, आयुर्वेदाचार्य, पत्रकार या तो किसी अनुसंधान कार्यों में जुड़े हुए हैं या धर्म कर्म से जुड़े हुए कार्यों में संलग्न हैं या ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए कार्यों में आप संलग्न हैं, तो यहां आपके लिए विशेष रूप से सफलता देखने के लिए जरूर मिलेगी। धन भाव पर जा रही गुरु की दृष्टियां पारिवारिक संबंध को भी बेहतर बनाएंगी और धन के मामले में भी आपको सकारात्मकता जरूर देंगी। उसके साथ साथ सिंह राशि के शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों के लिए भी यह समय बेहतर रहेगा। राशि के चतुर्थ भाव पर जा रही गुरु की दृष्टियां इस समयावधि में सिंह राशि वाले जातकों के लिए पारिवारिक जीवन में जिम्मेदारियों को बढ़ाती हुई नजर आएंगी और उसके साथ साथ सिंह राशि वाले जातकों के अंदर परिवार को एक विशेष अंदाज में आगे बढ़ाने के लिए जुनून जागृत होगा और सिंह राशि वाले जातकों को परिवार के लिए विशेष रूप से भौतिक सुखों की चीजों को अर्जन करने के लिए सहायता जीवन में मिलेगी। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में आपको सतर्कता जरूर बरतना चाहिए। राशि से अष्टम भाव में गुरु का गोचर हो रहा है, तो सिंह राशि वाले जातकों को कुछ सेहत के मामले में भी बाधा निर्मित हो सकती है। तो ये तो रहा सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में देव गुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का प्रभाव। अब यदि आपको धार्मिक उपाय बताए जाए जो गुरु के पीड़ित प्रभाव के लिए आप कर सकते हैं, तो जरूर आप सुनिए। देखिए, जब जन्म कुंडली पर गुरु पीड़ित होते हैं तो धार्मिक उपाय करके, दान करके, गुरुदेव बृहस्पति से जुड़े हुए मंत्रों का जप करके जीवन में संभावना और श्रेष्ठता अर्जित की जा सकती है। गुरु की शुभता को अर्जित करने के लिए गुरुवार के दिन यदि पीपल के वृक्ष के नीचे कोई भी जातक शुद्ध देसी घी का दीपक जला दे तो संभावना श्रेष्ठ बनती है। गुरु के लिए गुरु यंत्र घर में लाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नामक मंत्र का या तो आप जप कर सकते हैं या तो बृहस्पति का बीज मंत्र ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का आप जप जरूर करें। बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों का विशेष रूप से सम्मान करना चाहिए।
गाय को विशेष रूप से यदि जातक घास डाले या गाय को नित्य प्रति रोटी और गुड़ खिलाया जाए तो गुरु बृहस्पति से जुड़े हुए पीड़ित प्रभावों में मुक्ति मिलती है। हल्दी की एक गांठ किसी सुहागन स्त्री से लेकर उसे अपनी जेब में रखना चाहिए। उसके साथ साथ गुरुवार के दिन चने की दाल, हल्दी, पीला कपड़ा, पके हुए केले, शक्कर, घी और सोने का दान करना। ब्राह्मण वर को सात्विक ब्राह्मण को दान करें पूर्ण रूपण श्रद्धा और दक्षिणा के साथ। इससे भी गुरुदेव बृहस्पति से जुड़े हुए पीड़ित प्रभावों में मुक्ति मिलती है। जिन कन्याओं को वैवाहिक जीवन में समस्या हो रही हो उनको बृहस्पतिवार का व्रत रखना और गाय को दाल खिलाना, चने की दाल खिलाना, पीपल के या तो केले के पौधे के समीप बृहस्पतिवार का व्रत रखने के उपरांत विधिवत पूजा करने से विशेष लाभ जरूर मिलता है। उम्मीद है ये जानकारी सिंह राशि वाले जातकों को अच्छी लगी। साल 2022 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर संभावनाओं का निर्माण करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।